I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. हरदीप सिंह पुरी को प्रमोशन मिला है, जाने माने आईएफएस अधिकारी रहे अपने जमाने में, उनके पिताजी भी आईएफएस अधिकारी थे। हरदीप सिंह पुरी का भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बड़ा अच्छा संबंध रहा है। यूनाइटेड किंगडम में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रह चुके हैं। हरदीप सिंह पुरी भारत में प्रधानमंत्री के फेवरेट बॉयज में से एक हैं, इसीलिए सिविल एविएशन और शहरी विकास मंत्रालय और पावर्टी एलिवेशन की जिम्मेदारी उनको दी गई है। 2022 तक सबको पक्का घर देना हरदीप सिंह पुरी के गेम प्लान्स में से एक है, जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी है। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मनसुख मांडविया टीम मोदी के सदस्य 1992 से एबीवीपी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। ठीक उसी समय उनके सीनियर अमित शाह हुआ करते थे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। कोरोना 2 की महामारी के बाद जब दवा की क्राइसिस हुई थी तो मनसुख मांडविया ने एक बहुत बेहतरीन रोल निभाया था दवाओं के मैनेजमेंट के लिए। मनसुख मांडविया को उनके इसी काम के लिए प्रमोशन दिया गया है। मनसुख मांडविया गुजरात से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जमीन से जुड़े कार्यकर्ता रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं।